नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात यानी धर्म ज्ञान के साथ। गुजरात के जामनगर जिले के तुलसिया गांव में ऐसली वरुड़ी माँ का दिव्य मंदिर आया हुआ है, जो कालावर से 18 किलोमीटर दूर है। वरुड़ी माँ की प्रागट्य कथा बहुत रोचक है। कच्छ में खोड़ासर गांव में सांकड़ा नरा नामक एक चारण था। वह अपनी कुलदेवी माँ हिंगराज के दर्शन के लिए सिंध में, अर्थात आज के पाकिस्तान में, पांव जल के जाता था। 3 महीने के बाद सांकड़ा जी हिंगराज माता के मंदिर पहुँचे। माँ का दर्शन करके पुजारी को श्रीफल दिया तो श्रीफल के 2 टुकड़े हो गए। दूसरा श्रीफल दिया तो उसके भी 2 टुकड़े हो गए। 7-7 श्रीफल चढ़ाए, सभी के टुकड़े हो गए। सांकड़ा जी को समझते देर नहीं हुई कि कुछ अघटित हुआ है। मनोमन माँ हिंगराज को प्रार्थना करते वह सो गया। सपने में माँ ने दर्शन देकर कहा, बापू मैं तुम्हारे घर बेटी के रूप में जन्मी हूँ, लेकिन मेरा कुरूप देखकर मुझे दफन कर दिया। 7 दिन में आकर मुझे बाहर निकालो, मैं सभी का कल्याण करने आई हूँ। बापू देर न करना, 8वें दिन मैं अपनी लीला समेट लूंगी। चारण नींद में से जगकर सोचने लगे कि घर पहुंचने में 3 महीने लगेंगे, 7 दिन में कैसे पहुंचूं? आंख में आंसू लिए माँ को प्रार्थना करने लगे। पुजारी ने सुना और कहा, चिंता मत करो चारण, माँ हिंगराज का नाम लेकर चलने लगो, माँ ही मदद करेगी। सांकड़ा जी माँ का नाम लेते रात दिन देखे बिना चलते रहे। माँ की मदद से 7वें दिन ही गांव में पहुँच गए। आकर उन्होंने पूछा कि मेरी बेटी को कहाँ दफन किया है। लोग सोचने लगे कि इसको कैसे पता चला। बाद में लोग बोले, 6 दिन हो गए हैं, अब जिंदा भी नहीं होगी तुम्हारी बेटी। हवा पानी और माँ के दूध के बिना कोई बच्चा कैसे जीवित रह सकता है। फिर भी बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ दफन किया था वहाँ चारण को ले गए। सबके आश्चर्य के बीच चारण ने जैसे वहाँ खोदा तो बेटी जीवित निकली। वरवा रूप होने के कारण उनका नाम वरुड़ी रखा गया। एक बार में दुष्काल हुआ, घास पानी सूख जाने के कारण पशु मरने लगे। दुष्काल में पशु को बचाने के लिए जहाँ हरियाली हो वहाँ जाने का निश्चय करके आई वरुड़ी को पूछा। माँ ने ध्यान धर के कहा, दक्षिण दिशा में बहुत हरियाली होने से पानी और घास मिल जाएंगे। सब चारण लोग वहाँ से चलकर जहाँ आए वह फुलझर नदी के किनारे पर आज का तुलसिया गांव है। यहाँ आज भी माँ वरुड़ी के चमत्कार अपरंपार है। जामनगर जिले के तुलसिया गांव में आई वरुड़ी माँ का मंदिर तथा जूनागढ़ के राजा नवगण की सेना के घोड़े के लिए धान्य अर्थात धुड़िया ढग एक ऐतिहासिक साक्षी है। यहाँ माता जी का पावनकारी स्थानक है, जहाँ माँ वरुड़ी बहन चटोकली और चरुड़ी के साथ विराजमान है। ये मंदिर में हर वर्ष स्वयंभू एक त्रिशूल प्रकट होता है। आई वरुड़ी के चमत्कार की बात ऐसी है कि जब रानवगण बेन जाहल की मदद पे सिंध में जा रहा था, तब माँ वरुड़ी ने रानवगण और इसके 9 लाख सैन्य को एक हांडी में खीर बना के खिलाया था और रानवगण को सिंध में जाने के लिए माँ वरुड़ी ने देवीय शक्ति से समुद्र में रास्ता कर दिया था। इसकी रोचक कथा दूसरे वीडियो में फिर कभी बताएंगे। कॉमेंट में आई श्री वरुड़ी मात की जय जरूर लिखना। धन्यवाद।